हेलो एवरीबॉडी, इट्स अगेन ईद टुमारो, ईद उल अज़हा। और आज संडे है, कल मंडे है, और मंडे होने के साथ साथ कल ईद भी है, लेकिन कल यहाँ पर फुल वर्किंग डे है। और बड़ी ईद की रवायत को बरकरार रखते हुए मैं जा रहा हूँ मार्केट बड़ा गोश्त लेने के लिए। तो मैं निकला था बड़ा गोश्त, लेकिन मुझे अट्रैक्ट किया किसने? इस कबाड़ की दुकान ने। लोगों का रश और पुरानी चीज़ों को देखकर तो लगता है कि कहीं इतवार बाज़ार लगा है। आज इतवार तो ज़रूर है, मगर ये इतवार बाज़ार नहीं है। तो दरहकीकत मेरी यूनिवर्सिटी में चल रहा है ग्रेजुएशन का सीज़न, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अनकरीब यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले हर साल ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और अपने इस्तेमाल की चीज़ों को आधी कीमत पर बेच कर अच्छा मुआवजा कमा लेते हैं। और बाज़ार में कुछ भी पसंद न आने के बाद मैंने अपना सफ़र जारी रखने का इरादा किया। मैं पहुंच चुका हूं मार्केट, और ये मार्केट मेरी यूनिवर्सिटी से तो ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि यहां पर एक हलाल शॉप है। ये है मार्केट, इस मार्केट का नाम है सायदा, और यहाँ से फर्स्ट नहीं सेकंड स्ट्रीट में एंटर होते साथ ही ये रहा स्टोर। इस स्टोर का नाम है ड्रीम स्टोर। Okay, thank you so much. Poor bank check, pala. Okay, so ईद की शॉपिंग हो गई कंप्लीट। कुछ बीफ लिया जो कल पका के खुद को ये महसूस करवाऊंगा कि वाकई ईद है। जितनी भी खुशियाँ होती हैं ये सब के सब सिर्फ घर वालों के साथ होती हैं। बाहर it doesn't feel like. लेकिन पाकिस्तान में यकीनन इस तरह का लाल तरबूज नहीं मिल सकता। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक लेक मौजूद है जहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो जब भी बोरियत होती है तो वक्त गुजारने की सबसे अच्छी जगह यही है। तो रात के बज रहे हैं इस वक्त ऑलमोस्ट 3, और जो बीफ मैंने परचेज किया था पकने के बाद दिख रहा है कुछ इस किस्म का डिलिशियस। कल अब इसे हम खाएंगे, टेक्निकली आज। मिलिए मेरे इलाके दोस्त से जिसके साथ हम जा रहे हैं ईद की नमाज अदा करने। मुलाहिजा फरमाइए वुहान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद। नमाज़ी ईद अदा करने के बाद कुछ बहुत ही करीबी दोस्तों को मिलकर अपने घर वालों की कमी को महसूस किया। ईद मुबारक अखी, इंशाल्लाह हज, इंशाल्लाह अरीस, गुड वाइफ एंड हैप्पी लाइफ। ईद आने से पहले ईद की सैकड़ों तैयारियां होती हैं, और ईद आने के बाद ईद वाले दिन के हालात कैसे होते हैं ये देखिए।
ये बर्तन है जिन्हें मैंने अभी धोना है, और ये मेरे कमरे की हालत है जो बिल्कुल डार्क पड़ा हुआ है। तो ऐसी गुजरती है परदेश में ईद।